कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल आर ए, आपको एक सर्कल दे रखा है ऐसा है कि मैं ड्राइंग का काम कर रहा हूं, मैथ का टीचर हूं भाई, तो ये टेढ़ा है सीधा है यही है जो भी है। अब सुनो नीरज, तो जो ये टेढ़ा सर्कल है उसकी एक डायमीटर है ए बी, ठीक। आपसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल आर दिस, ए दिया गया है 4, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर दिस, सी बेटा सेंटर है तो ई होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ओए बात नहीं करो भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एक्स कॉमा वाई मान लो, वर्षा समझ में आ गया। अच्छा बताओ वर्षा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगना चाहिए? देखो मैं आपको इधर समझाती हूँ, देखो ए बी एक लाइन है, डायमीटर सी सेंटर है, अब बताओ नहीं ये तो नहीं लगेगा। अच्छा अनुष्का आप बताओ, यस क्वेश्चन अनुष्का ने कहा मिड पॉइंट, कैसे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट वर्षा क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर है मतलब ये हमेशा लाइन दोनों रेडियस है इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अनुराग सी पॉइंट वन कॉमा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, हा बेटा एक्स वन की जगह कितना है, ये तो वन कॉमा माइनस थ्री, एक्स वन की जगह कितना है फोर, x2 किया कितना है x, y1 किया है, चलिए इक्वल रखेंगे नीरज, हमने इक्वल रखा इसके नहीं कुछ काम नहीं, तो यहां से 2 हो जाएगा ये, x कितना हो जाएगा माइनस टू, टू नहीं माइनस टू, और ये माइनस क्योंकि माइनस वन होता है, x आ गया और y हमसे b का कोऑर्डिनेट पूछा था तो ये आ गया माइनस टू कॉमा, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए नोट कर लीजिए, मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है, सबने कह रहा नोई।